जिंदाबाद साथियों, आज 5 सितंबर निर्भीक पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को आज 3 साल पूरे हो गए। उनकी बहादुरी को सलाम। साथ ही डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, प्रोफेसर एमएम कलबुर्गी, कॉमरेड गोविंद पांसारे, इनको भी सलाम। इन सभी की याद में आज देश भर में एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नाम है इफ वी डू नॉट राइज, हम अगर उठे नहीं तो। ये अभियान पिछले कई सालों से जो लगातार संवैधानिक मूल्यों पे हमला हो रहा है और जो हमारी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता खत्म की जा रही है उसके खिलाफ है। लुकायत और काफिला की तरफ से हम इस अभियान में शामिल हैं और आपके लिए प्रतिरोध के गीत का एक कार्यक्रम लेके आए हैं। हमारा सत्ताधारियों से सवाल है कि वो आखिर हमसे क्यों डरते हैं, वो सच्चाई को सामने क्यों नहीं आने देते, वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं। तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहने आती है, वो देखो लो।
सरकारों को चेताया था, पर आज जब हम लोग अन्याय के विरुद्ध उठ खड़े होने की बात कर रहे हैं तो उनकी पंक्तियों से ज्यादा प्रासंगिक क्या हो सकता है। तो इसीलिए मैं आज उनकी कुछ नज़में आपको सुनाना चाहता हूं। उनकी पहली नज़म है, वो है सियासत पर, जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं उनके ऊपर। दोस्तों, अगर जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनकी तरफ हम अगर देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा मानो देश में सब चंगा सी, मानो कि अच्छे दिन की बारिश हो रही है और देश में मंदी नहीं तो देश बुलंदी पे जा रहा है। दोस्तों, एक एक करके ये लोग लोकतांत्रिक सारी संस्थाएं नष्ट करते जा रहे हैं या फिर कमजोर करते जा रहे हैं। अब इन्हें कोई भी ना जनता का डर है ना मीडिया का डर है, मानो इनको खुली छूट मिली है। तो इसी विषय को लेकर राहत इंदौरी साहब ने क्या लिखा वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। क्या बात, जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। तुम्हें सियासत ने यह हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। अरे वाह, क्या बात, क्या बात, जबरदस्त। सुनिए, अपील भी तुम दलील भी तुम। क्या बात है, अपील भी तुम दलील भी तुम, गवाह भी तुम वकील भी तुम। वाह वाह, अपील भी तुम दलील भी तुम, गवाह भी तुम वकील भी तुम। जिसे भी चाहो हराम कर दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। क्या बात है, तुम ही सनम हो, तुम ही सनम हो, तुम ही खुदा हो, तुम ही सनम हो, तुम ही खुदा हो, वफा भी तुम हो, तुम ही जफा हो। सितम करो तो मिसाल हो, सितम करो तो मिसाल हो, करम करो तो कमाल कर दो। इनके कोई भी काम छोटे मोटे नहीं होते, कमाल बड़े बड़े कमाल के काम होते, अखिल भारतीय, अखिल भारतीय काम होते, इसे सारा देश लग जाता है। देखिए ना दोस्तों, नोटबंदी याद कीजिए, वो लाइनें याद कीजिए, जीएसटी याद कीजिए, या फिर 4 घंटे की मोहलत पे दिया गया लॉकडाउन याद कीजिए। यही इनके सितम है और यही इनके करम है। सही बात है, सितम करो तो मिसाल हो, करम करो तो कमाल कर दो। तुम्हें किसी की कहां है परवाह। सही बात है, सही है, सही है। तुम्हें किसी की कहां है परवाह, तुम्हारे वादों का क्या भरोसा। क्या बात है, क्या बात है, अच्छे दिन का। बिल्कुल, तुम्हें किसी की कहां है परवाह, तुम्हारे वादों का क्या भरोसा। जो पल की कर दो तो कल बना दो, जो कल की कर दो तो साल बना दो। क्या बात है। दोस्तों, मैं अगली नजम पढ़ना चाहता हूं जो मीडिया के ऊपर है, वही मीडिया जिसे हम डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहते हैं, यानी लोकतंत्र का 4th स्तंभ। इस मीडिया का काम है कि सच्चाई की खोज करके
उसे जनता तक पहुंचाए। अगर कुछ नीतियां गलत हो रही हो तो उन सरकार से सवाल करें। पर साथियों, आज जिस तरीके का मीडिया बन गया है, देखते हैं राहत इंदौरी साहब क्या लिखते हैं। इरशाद, एक अखबार हूं, औकात ही क्या है मेरी, क्या बात, एक अखबार हूं, औकात ही क्या है मेरी, मगर एक एक शहर में आग लगाने के लिए काफी। क्या लिखा है, कौन जालिम है यहां, जुल्म हुआ है किस पर, कौन जालिम है यहां, जुल्म हुआ है किस पर, ये कौन जालिम है यहां, जुल्म हुआ है किस पर, क्या खबर आएगी ये अखबार को तय करना है। सही बात है। अपने घर में मुझे खाना क्या है, अपने घर में मुझे खाना क्या है, पकाना है क्या, ये भी मुझको नहीं सरकार को तय करना है। क्या बोले, अपने घर में मुझे खाना क्या है, पकाना है क्या, ये भी मुझको नहीं सरकार को तय करना है। बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। क्या बात, बनके एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उच्चकों की करो कद्र, चोर उच्चकों की करो कद्र, के मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। क्या बात है, क्या बात है, ये दोबारा हो जाए, क्या बात। चोर उच्चकों की करो कद्र, अच्छा, चोर उच्चकों की करो कद्र, के मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। क्या बात है, सही। साथियों, जब से फासीवादी ताकतें सत्ता में आई है, लोकतंत्र के हर एक संस्था को कब्जा करने की कोशिश कर रही, लगभग कर चुकी है। अच्छे स्वास्थ्य सुविधाओं का आग्रह रखने वाले, आग्रह धरने वाले काफिल खान एनआरसी सीएओ के विरोध में अपनी आवाज लोकतांत्रिक तरीकों से बुलंद करने वाली जफूरा सहगल, प्रशांत भूषण जो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, ये सारे उदाहरण हमारे सामने हैं और ताजा हैं। दमन की राजनीति करने वाले इन लोगों को बेनकाब करने वाला ये गीत। वो सब कुछ करने को तैयार सभी अफसर, नेता और गुंडे तक उनके सब
भी अफसर इनका असली चेहरा बताने वाला ये गाना। ये हिटलर के साथी जनाजों के बाराती, ये हिटलर के साथी जनाजों के बाराती, पूछते नहीं इंसान को कौन है तू। क्या पूछते हैं? पूछते हैं धर्म और जाति। क्या बात है, क्या बात है, सही बात है। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। गलती करोगे आहे भरोगे, गलती करोगे आहे भरोगे, जान का जमाना चली ना भाई। चोर चिटर बैठे है भाई, क्या बात, आप नहीं चोर चिटर बैठे है भाई, बड़े से डर बैठे है भाई। चोर चिटर बैठे है भाई, बड़े से डर बैठे है भाई। चोर चिटर बैठे है भाई, बड़े से डर बैठे है भाई। कुछ दिल्ली में बैठे है भाई, कहाँ बैठे है? दिल्ली में। कुछ दिल्ली में बैठे है भाई, कुछ नागपुर में बैठे है भाई। कुछ दिल्ली में बैठे है भाई, कुछ नागपुर में बैठे है भाई। कुछ दिल्ली में बैठे है भाई, कुछ नागपुर में बैठे है भाई। लोकसभा में बैठे है भाई, राज्यसभा में बैठे है भाई। लोकसभा में बैठे है भाई, राज्यसभा में बैठे है भाई। लोकसभा में बैठे है भाई, राज्यसभा में बैठे है भाई। इंटरनेट पे बैठे है भाई, जब
छल दूंगा। वे एक्टिंग करते हैं भाई, हम फाइटिंग करते हैं भाई, वे एक्टिंग करते हैं भाई, हम फाइटिंग करते हैं भाई, वे एक्टिंग करते हैं भाई, हम फाइटिंग करते हैं भाई। और भारत माता बजे, भारत माता का भाई पूजन, भारत माता का भाई बड़े जोर से चला है भाई, बड़े शोर से चला है भाई, नारा देशी का चला है भाई, नंदा विदेशी चला है भाई, नारा देशी का चला है भाई, नंदा विदेशी चला है भाई, नारा देशी का चला है भाई, नंदा विदेशी चला है भाई। सारा देश लॉकडाउन में और आत्मनिर्भर बनो बोलते हैं, रेल बेच दी, BSNL बेच दिया, बैंक बेच दिए, LIC बेचने का काम कर रहे हैं, और जो डिफेंस क्षेत्र वो भी बेच दिया, तो ऐसे तो है आत्मनिर्भर। नारा देशी का चला है भाई, नारा विदेशी चला है भाई, नारा देशी का चला है भाई, नारा विदेशी चला है भाई, नारा देशी का चला है भाई, नारा विदेशी चला है भाई। खुले भाव से बेचा है भाई, भारत माता को बेचा है भाई, खुले भाव से बेचा है भाई, भारत माता को बेचा है भाई, खुले भाव से बेचा है भाई, भारत माता को बेचा है भाई। हे माता खड़ी है ओपन मार्केट पे, माता खड़ी है ओपन मार्केट पे, दिल्ली से दलाली चली है भाई, हो धंधा राष्ट्रवाद कर भाई, धंधा राष्ट्रवाद कर भाई, चंदा डॉलर में लेते हैं भाई, धंधा राष्ट्रवाद कर भाई, चंदा डॉलर में लेते हैं भाई, चंदा राष्ट्रवाद कर भाई, चंदा डॉलर में लेते हैं भाई। कैसे स्वयं सेवक कर भाई, कैसे स्वयं सेवक कर भाई, सेवा स्वयं की चली है भाई, कैसे स्वयं सेवक कर भाई, सेवा स्वयं की चली है भाई, कैसे स्वयं सेवक कर भाई, सेवा स्वयं की चली है भाई। Let's go.
बच्चे बचाना, बस्ती बचाना, बच्चे बचाना, बस्ती बचाना, प्यारा भारत इनसे बचाना। इनसे नोट ना लेना रे भाई। अच्छा, इनसे नोट ना लेना रे भाई, इन्हें वोट ना देना रे भाई। इनसे वोट ना देना रे भाई, इन्हें वोट ना देना रे भाई, इनसे वोट ना देना रे भाई, इन्हें वोट ना देना रे भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। इनकी सूरत को पहचानो भाई, इनसे संभल के रहना रे भाई। दोस्तों, ये बात सही है कि आज हमारा देश एक बहुत ही संगीन दौर से गुजर रहा है, लेकिन हमें इसका विश्वास है कि हमेशा ही यह ऐसा नहीं रहेगा। लोग कभी भी अनगिनत समय के लिए अन्याय बर्दाश्त नहीं करते, इतिहास इसका साक्षी है। और इतिहास हमें यह भी बताता है कि लड़े बगैर, संघर्ष के बगैर कुछ भी नहीं मिलता। और ये जो अभियान है, हम अगर उठे नहीं तो, इफ वी डू नॉट राइज, यह अभियान इसी संघर्ष का एक भाग है। तो आइए, इस संघर्ष को आगे लेके जाने के लिए हम आपको आह्वान करते हैं, चलिए हमारे साथ इस संघर्ष की राह पर। Yeah.
लेकिन ऐसे में हमारी उम्मीद कहां से आती है? हमारी उम्मीद आती है लोगों से और लोगों के आंदोलन से। सही बात है। खबरें हम तक पहुंचते नहीं है, लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश है, कई ऐसे शहर है जहां पे लोग वाकई में एकजुट होकर अपने अपने शासकों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। वो एक नई और एक खूबसूरत दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका हम सब सपना देखते हैं। तो आइए साथियों, ऐसी एक सुंदर दुनिया को हम तलाशें इस गाने से। चलो रे चलो साथियों, जहां काली रात ढल रही है, चलो रे चलो, चलो रे चलो साथियों, जहां काली रात ढल रही है, चलो रे चलो, चलो रे चलो साथियों, जहां काली रात ढल रही है। एकता के बल पर, सत्य के अमल पर, चल एकता के बल पर, अमल पर जुल्म हुकूमत बदल रही है। चलो रे चलो साथियों, जहां काली रात ढल रही है, अरे चलो रे चलो, चलो रे चलो साथियों, जहां काली रात ढल रही है। गानों की तरह कथा, कविताएं, सड़क नाटक, इन सभी सांस्कृतिक माध्यमों से काफिला ग्रुप धार्मिक एकता, महिलाओं के विषय, पर्यावरण के विषय और आर्थिक विषय लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। इफ वी डू नॉट राइज, इस देशव्यापी अभियान में हमने काफिला पेज पर इन्हीं मुद्दों पर कई सारे गाने, वीडियो, पोस्टर्स ये सब शेयर किए हैं। आप उसे जरूर लाइक और शेयर करें। जो बात एक घंटे का भाषण हम तक पहुंचाता है, वही बात एक छोटा सा गाना या एक छोटी कविता हम तक पहुंचाती है, और यही सांस्कृतिक माध्यमों की ताकत है। इसलिए हम आपसे आह्वान करते हैं कि आप इन्हीं विषय पर हमारे साथ अपनी कविताएं, गाने, वीडियोस हमारे साथ जरूर शेयर करें।
अभियानों में हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जरूर फॉर्म भरें और यूं ही ये काफी इस काफिला को बढ़ाते रहें। जिंदाबाद।